देश भर में आज दूसरे चरण के लिए मतदान किया जा रहा है। एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी है, जहां मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी नरसिंहपुर के एक मतदान केंद्र पर सुबह सबसे पहले पहुंचकर मतदान किया। साथ ही उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री और पूर्व सांसद प्रहलाद पटेल ने होशंगाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले नरसिंहपुर में वोट किया। अपने क्षेत्र में मतदान केंद्र में सबसे पहले वोट करने के बाद कैबिनेट मंत्री पटेल ने मतदाताओं से मतदान की अपील की। मैसेज है कि आज जैसे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ कि मैंने अपने मतदान केंद्र पर पहला वोट डाला। मैं देश के नौजवानों से सभी मतदाताओं से ये प्रार्थना करूँगा, आप अपने मतदान का उपयोग करिए और भारत के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करिए। मतदान पहली सीढ़ी है देश के विकास में। वहीं इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सुबह मतदान केंद्र में पहुंचकर सबसे पहले वोट करना मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे सुखद अनुभव था। उन्होंने आगे कहा कि मैं जब सिवनी का सांसद हुआ करता था तो गोटे गांव में वोट करने जाता था, मैंने कभी किसी को हटाकर वोट नहीं किया। हाँ, मेरे जीवन का ये सुखद अनुभव है, कभी सिवनी का मैं सांसद होता था तो गोटे गांव में वोट डालकर जाता था अपने क्षेत्र में, तब कभी एक आध बार पहले बार वोट डाला होगा, हमने कभी किसी को हटाकर पहली बार वोट नहीं डाला। तो कल ही हम मुन्ना भैया थे तो मैंने तय किया था कि पहला वोट डालेंगे, तो मैं इसलिए 6:30 बजे आ गया था कि किसी को, क्योंकि पिछली बार जब मैं वोट डालने आया था तो यहाँ पर लगभग 11 लोग पहले से खड़े हुए थे, उसमें बुजुर्ग लोग थे जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो आज मैं पहले आ गया था तो मैं 6:30 के पहले आकर बैठ गया था कि किसी को बगैर टोका टाकी किए मैं अपना पहला वोट डाल दूँ और मैं उसमें सफल हुआ। मेरी अपील है कि जैसे मैंने अपने संकल्प को पूरा किया है वो मताधिकार का उपयोग करें और वोट डालें और इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बता दें कि होशंगाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के दर्शन सिंह और कांग्रेस के संजय शर्मा आमने सामने हैं। दर्शन सिंह पहली बार चुनावी मैदान में है। 1989 से 2004 तक ये सीट भाजपा के पास थी। 2009 से 2014 तक इस सीट पर कांग्रेस विजयी हुई थी। कांग्रेस को विजयी बनाने वाले उदय प्रताप सिंह भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने भाजपा की टिकट पर 2014 और 2019 का चुनाव जीता था। इस समय उदय प्रताप सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, नरसिंहपुर।